मतलब आपको पता ही है सारी चीज़ें, क्यों जल्दी करना पड़ा विसर्जन मैं आपको बताता हूँ। गुड मॉर्निंग, तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत आपके प्यार के साथ। तो गाइस आज है गणपति जी का विसर्जन, गणेश जी का विसर्जन है आज। आज हुआ है 5 दिन, बस सब कर रहे हैं कार्य वगैरह अपने। और सार्थक हो गया था फीवर, रात को 102 फीवर था, रात को भी काफ़ी देर तक उसको फीवर था, मेडिसिन के बाद ही नहीं उतरा। और सुबह सुबह मैं लेकर आ गया उसकी दवाई, अब थोड़ा सा ठीक बेटर फील कर रहा है वो। तो गाइस बस सब करते हैं गणपति जी की सेवा, क्योंकि आज विसर्जन है गणपति जी का, उनकी सेवा करते हैं और दिखाते हैं कि क्या क्या व्यंजन बनेंगे, क्या क्या डिश बनेगी आज, आपको सब दिखाएंगे। पहले करते हैं पूजा, चलिए। तो गाइस ये है मखाने और ये है नारियल और इसका बनने वाला है हार। तो गाइस नारियल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया, अब इसका बनाते हैं हार। गाइस ये सुंदर सी माला हमारी बन गई है गणपति जी के लिए, और ये सोनिया भाभी जी ने भी माला चढ़ा दी है अभी। ये मखाने की माला, ये मखाने की माला हमने अपनी माला बना ली है, बस अभी पूजा होने वाली है। गाइस को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। तो आरती होने वाली है बस अभी। तो गाइस आज सफेद मोदक यानी के वनीला वाले मोदक का भोग लगेगा गणपति है मैंने अंदर, क्योंकि बारिश, अंधेरा हो चुका है, तकरीबन टाइम हो गया है 12 बजे है और अंधेरा हो चुका है बहुत ज़्यादा। बस अभी थोड़ी देर पहले शॉप खोली और ये देखो बारिश हो रही है बहुत तेज। गाइस प्रसाद की तैयारी शुरू हो चुकी है। डॉली जी क्या बन रहा है प्रसाद के अंदर बताइए फटाफट मुझे आप। कढ़ी चावल और रोटी और आलू गोभी की सब्जी। कढ़ी चावल रोटी आलू की सब्जी और आलू गोभी और हलवा भी बनेगा। हाँ, और मोदक भी अभी मैं बनाने जा रहा हूँ, सब अपने अपने कार्य में लगे हुए हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी किचन में भी बन रहा है, इस किचन में भी खीर बन रही है। सोनिया भाभी जी लगा गए हैं, ये भी हेल्प करवा रहे हैं, आलू गोभी काट रहे हैं। हाय कर दीजिए गाइस, हाय कर दीजिए। सार्थक जी आपका बुखार कैसे है? ठीक है, पक्का तैयारी है गणेश जी के विसर्जन करने की? पक्का, चलो अभी दिखाते हो क्या क्या, कौन क्या क्या कर रहे हैं आप। हम तो गाइस तैयारी हो चुकी है मोदक बनाने की, चॉकलेट वाले। ये है नारियल का बुरादा यानी कि डेसिनेटेड कोकोनट, ये हमारा मिल्क मेड है, और ये हमारे चॉकलेट वाले जो अंदर फिल चॉकलेट है उसके हैं आइडेंसी के बिस्कुट मिलाने वाले। ये इतने सारे बिस्कुट हैं, ये नारियल काकू जी करा रहे हैं हमारी हेल्प। ये सारे बिस्कुट इसने अलग कर दिए हैं, रैपर कर दिए हैं अलग। नारियल का बुरादा यहाँ पड़ा है, मिल्क मेड यहाँ पड़ा है, बस इसको भी करते हैं मिक्स। और क्या बनेंगे काकू जी? चॉकलेट मोदक। काकू पूरी हेल्प करा रहा है हमारी मोदक बनाने के अंदर, सब लगे हुए आज आप गणपति जी की सेवा करने के लिए। हमारे पप्पा जी बोरे, जय गणपति पप्पा मोरिया। बस गणपति जी की विदाई का समय बिल्कुल पास आता जा रहा है। तो गाइस सारे बिस्कुट अलग हो गए, रैपर हो चुके हैं अलग, अब इसको ग्राइंड करेंगे मिक्सी में पीस के, इसका फाइन बुरादा सा पेस्ट बना लेंगे और सबको करना है मिक्स, और सांचे में डाल के मोदक बन जाएंगे बिल्कुल। डेसिनेटेड कोकोनट, और ये आपको दिखाई दे रहा होगा, मैंने अच्छी तरीके से बिस्कुटों को अच्छी तरीके से क्रश कर लिया है, और ये है मिल्क मेड, बस तीनों को करना है मिक्स। मैंने ये लिक्विड जो चॉकलेट है ना वो लिया था, और अच्छे तरीके से इसके अंदर फिल चॉकलेट था, ऊपर बिस्कुट था, अंदर फिल चॉकलेट था, और अच्छी तरीके से क्रश होकर कितना शाइन आ रहा है, ग्लेस आ रहा है इसके अंदर। तो गाइस बस मिक्स कर दिया, इसमें मिल्क मेड भी डाल दिया, चॉकलेट भी डाल दी, नारियल का बुरादा भी आ गया, अब इसको करते हैं मिक्स, इसका बनाते हैं मिक्स। पड़ी है गाइस, ये थोड़ी सी मिक्सी के ढक्कन के ऊपर भी लगी हुई है चॉकलेट, और ये भी उतार लेते हैं अभी। तो गाइस मैंने मिक्स में डाल दिया है 2 चम्मच देसी घी, और इसको मिक्स करना है। थोड़ी सी हमने कर लिया चीटिंग, और हाथ देखो मेरे बिल्कुल एकदम, इसको अच्छी तरीके से हैंड से मिक्स करते हैं। तो गाइस ये कड़ी उबलना शुरू हो चुकी है, कड़ी पूरा अपना जलवा दिखा रही है, बढ़िया सी कड़ी बन रही है प्रसाद के तौर पे, साथ ही बनेंगे चावल। ये भी सोनिया भाभी जी बना रहे हैं मोदक, नारियल वाले ना, नारियल और दूध वाले मोदक। गाइस ये मोदक बनने तैयार है, बस लास्ट ये रह गए हैं मोदक, एक बार बनाना जरूर आप, अभी इसको डेकोरेट करना है यार, ये बनाने में ना हाथ सारा वो हो जाता है, बस इसको ऐसे प्रेस करना है, और जितना भी वो ये वो है ना एक्स्ट्रा निकाल देना है। अरे तो गाइस ये देख लीजिए मोदक बन रहे हैं, बस फाइनल रह गए हैं थोड़े से, बड़े प्यार से निकल रहा है, आसानी से निकल रहा है, अब लास्ट मोदक रह गया बनने के लिए, पूरा फाइनल होता है। और ये चॉकलेट वाले मोदक गणपति बप्पा जी के लिए बनकर हो चुके हैं तैयार, इसको थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं, और डेकोरेट किस चीज़ से करते हैं गणपति बप्पा जी मौर्या जी के लिए बिल्कुल, और इसमें करेंगे। ये वाइट चॉकलेट लेकर आया हूँ 10-10 रुपीज़ वाले पैकेट, और उसको मेल्ट कैसे करना बिल्कुल आसान सा तरीका बताता हूँ मैं आपको, और इस लिक्विड को डालेंगे इसके ऊपर, थोड़ा सा डेकोरेट अच्छे ढंग से करेंगे, और बढ़िया से हमारे मोदक बनके हो चुके हैं तैयार हमारे पप्पा जी के लिए। एक छोटा सा मोदक मैंने बनाया था, छोटू सा ब्राउन सा दिखाई दे रहा है, मैंने यहाँ पे रख दिया है बस।
एक बार बनाना जरूर रेसिपी और इसको डेकोरेट करते हैं। मैं आपको किचन का भी दिखा रहा हूँ, ये कढ़ी हमारी बनके बिल्कुल हो चुकी है, रेडी हो चुकी है। रेडी अभी नहीं, नहीं अभी हो गई, ये भी थोड़ा है करते और आलू गोभी हमारी गोभी चल जा चुकी है, फ्राई हो रही है अभी आलू गोभी। गाइस गर्म पानी के अंदर मैंने चॉकलेट डाल दी थी और मेल्ट हो चुकी है अच्छे तरीके से। अब इसको डेकोरेट करेंगे, मोदक को कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। काटना है हल्का सा और इसको ये मेल्ट चॉकलेट को सारी जो चॉकलेट है मेल्ट सारी मेल्ट चॉकलेट डाल देंगे ऊपर, सुंदर सा डेकोरेट हो जाएगा एकदम। बहुत बढ़िया तरीके से मेल्ट हो रही है चॉकलेट ये वाली, और बहुत आसान सा तरीका है। अब दूसरा बाउच भी पड़ा होगा मेरे पास। तो गाइस ये सुंदर से डेकोरेट हो चुके हैं चॉकलेट के साथ, मोदक तैयार हो चुके हैं हमारे पप्पा जी के। इसको इधर रख देते हैं आराम से। और ये देखिए एक बार आप बनाना ज़रूर और बताना मुझे, बहुत ही इजी बनेंगे, ना गैस जलाने की ज़रूरत ना कोई चीज़ चलाने की ज़रूरत। तो गाइस ये बढ़िया सा हलवा बनने को हो चुका है तैयार, ये आलू गोभी की सब्जी के लिए बन रहा है तड़का, और ये बनता है फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये बन रहे हैं मस्त वाले पकौड़े कढ़ी के, और आलू गोभी की सब्जी हमारी तैयार हो चुकी है। ये हैं पकौड़े, ये पकौड़ों का बैटर और कुछ पकौड़े हमारे ये बन के तैयार हो चुके हैं, बस कार्य पूरा प्रगति पे। तो गाइस पूरी भागदौड़ चल रही है, डॉली भी बिल्कुल अभी तक तैयार नहीं है, सुबह का टाइम नहीं मिल पाया, कपड़े उतार कर लगी है। होने लगी हूँ तैयार, कपड़े तो पहले से ले रख रही हूँ क्योंकि बारिश आ गई थी ना तेज, सुबह सुबह ले आई थी कपड़े। तो डॉली जी अब मखाने का और गिरी का हार बन चुका है, मोदक हमारे बिल्कुल कम्प्लीट हो चुके हैं चॉकलेट वाले, और घास जो घास वाला आ रहा है वो भी तैयार है। अब चॉकलेट लेके आए हैं, चॉकलेट का हार बनाते हैं। ठीक है जी, ये हमारी प्रिय भाभी जी आए हैं बिल्कुल हेल्प कराने के लिए, और डॉली की प्यारी सी बहन भी आई हुई है। ये ले गाइस, ये देख लीजिए आलू के लच्छे हैं। आलू को हमने कद्दूकस कर लिया था और बीच में कसूरी मेथी, इसके पकौड़े बन रहे हैं, बिल्कुल क्यूब नहीं किया है, बिल्कुल आलू को लच्छे करके ना घिस के कद्दूकस कर 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 बिल्कुल लाल हो चुकी है, एकदम सुरख लाल हो गई है एकदम। गाइस फाइनली कढ़ी के अंदर पकौड़े जा चुके हैं, और बढ़िया सी कढ़ी अभी भी अच्छी तरीके से पक रही है हमारी। गाइस ये चॉकलेटें आ गई हैं, अब ये चॉकलेट का बनेगा हार, ये मैं बना रहा हूँ हार चॉकलेट का अभी गणपति बप्पा जी के लिए हमारे। ये चॉकलेट मोदक तो पहले ही तैयार कर चुके रख चुके हैं हम, बस इसकी भी करते हैं तैयारी। हमारी प्यारी सी सुंदर सी बच्ची आ गई है। हाय सृष्टि, हाय कर दो हमारे गाइस को। हाय, आओ इधर आओ, नाम बताओ अपना। सृष्टि। सृष्टि साहू, दांत कौन ले गया आपके? अभी ये भी हिलेगा, ये भी टूटने वाला, मत्था टेक लिया आपने? चलो ठीक है, गणपति बापा। हाँ गणपति बापा। ये सब्जी ललिता भाभी जी ने बनाई है, और हमारी ये थाली लग चुकी है, पहले मंदिर में भी थाली लग गई है, और ये खीर है, और सॉरी खीर नहीं है, हलवा है, कढ़ी है, चावल है, ये पकौड़े हैं ड्राई वाले, ये आलू गोभी की सब्जी है, ये पानी है, और हमारे गणपति बप्पा जी की खीर भी हो चुकी है तैयार, थाली एकदम बिल्कुल बनकर तैयार है, और बप्पा की। हाँ जी गाइस देखिए, आज मेरी बहन आई थी, चावल बड़ी भाभी ने बनाया, आलू गोभी मेरी सिस्टर ने, छोटी ने बनाया, पकोड़े, ये हलवा, ये खीर, क्या नाम है कढ़ी पकोड़े, सब कुछ मेरी बहना ने बनाया। आज हमने कोई हाथ नहीं लगाया, ऊपर अपने करा है, ऊपर ऊपर का काम किया, सात को इतना बुखार था कि मैंने कर नहीं पाई गाइस, बहुत मुश्किल। खीर सोनिया भाभी जी ने बनाई सबसे पहले, ये तो अमृत है, बड़ी प्यारी टेस्टी होती है इनकी, और ये सारी मिठाइयों के भोग अभी लगने वाला है, सारी मिठाइयों की भोग तैयार हो गई है, बस आज अभी थोड़ी रौनक लगेगी क्योंकि सब बच्चे बड़े परेशान हो रहे थे कि भाई हमने पहले आए नहीं तो मजबूरन थोड़ी देर मुझे बुलाना पड़ा बच्चों के लिए कि थोड़ी देर मिठा टेक दे, आएंगे भी सर्जन हो रहे हैं गाइस, बस आंखों में आंसू आ गए थे थोड़े से, गणपति जी विदा हो रहे हैं, भोग लगा रहा था मैं, कोई मतलब बहुत ज़्यादा एकदम आँखों में आंसू से आ रहे हैं, विदाई करने का दिल नहीं कर रहा है गणपति पप्पा जी को, मतलब यहाँ से हमारे मतलब बोला भी नहीं जा रहा है, मैं भी करता हूँ बात, एक बार मैं भोग वगैरह लगा लूँ फिर करता हूँ मैं आपसे बात, बस आँखें नम हो गई थी तो अली हसरी है, हंसी तो ऐसी आ रही ऊपर ऊपर की, ऐसी बड़ा रोना आ रहा है तो लगता है थोड़ा सा। जय गणपति पप्पा, बस विसर्जन की तैयारी हो चुकी है शुरू, आरती अब स्टार्ट।
गणपति बप्पा भोला, तो गाइस गणपति बप्पा जी विदाई ले रहे हैं इस वादे के साथ हमारे साथ कि अगले वर्ष वो बहुत जल्दी आएंगे। तो गाइस आप भी आरती ले लीजिए। गणपति नमः सत्तर, गणपति नमः उन्नीस, गणपति नमः बीस, नमः इक्कीस, गणपति नमः बाईस, गणपति नमः तेईस। चलो जी हो गया, अच्छे तो हम बैठने हैं, बैठो जी गणपति जी के साथ। चलो जी गणपति जा रहे हैं अपने घर अगले साल आएंगे। तुम जल्दी आना बाबा जी, जल्दी जल्दी जल्दी। अब उच्चा वर्षी लो करिया गणपति बाप्पा मोरिया, उच्चा वर्षी लो करिया अगले बार जल्दी आ, जल्दी जल्दी आना। इधर रखना, इधर रख ले भगवान जी, इधर इधर बोल, इधर अंदर बाहर ही रखो हमारे, ऐसे ऐसे ऐसे। तो गाइस बस हल्का सा तिलक लगाया जा रहा है गणपति जी के ऊपर। आपके हाथ कैसे हैं, ये लो आप लगाओगे नोना, आ जाओ मैं निकाल रहा हूं, जल्दी कोई बात नहीं। तो गाइस इसमें होगा विसर्जन, ऊपर ही हम अपने बगीचे में विसर्जन करने लगे हैं और सब अपनी अपनी विश मांग रहे गणपति जी से, करेंगे भगवान जी। गणपति जी आपने मांग लिया विश, सीधा केंद्रपाड़ा जाना उड़ीसा। चलो तूने क्या मांगा गणपति जी से, क्या मांगा गणपति? हाँ चुप अच्छा, बहुत बड़ा पढ़ाई, वेरी गुड, बहुत बड़ा पढ़ाई करेगा, पैसा कमाएगा, बड़ा होएगा, अकलमंद है, बड़ा हो जाएगा तभी तो कमाएगा। चलो ध्यान से भाई, ईंट रख ले किसी के ऊपर, ईंट के साथ रख ये डब्बे। चलो गाइस गणपति जी के दर्शन, तो गाइस बस विसर्जन होने वाला है, लास्ट टाइम रह गया विसर्जन का, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं विसर्जन की। ये प्रसाद ट्रॉफियों का चॉकलेट सबको बांटने के लिए, सबको बांटनी है अभी। चलो करो। तो गाइस पिछले साल जो गणपति जी आए थे उनका ये गमला था, और ये इस जो उससे पहले वाले थे ये गमला था। अब इसमें विसर्जन करते हैं, इसमें जो भी मिट्टी होती है गणपति जी की बैठ जाती है, उसमें हम गमले में लगा देते हैं कोई ना कोई पौधा। चलो जी हो गया आपका डॉले जी, हो गए फाइनल। सब जने कैमरा लेकर, सब कैमरामैन बन रहे हैं ये सारे जने, ये देख लो सब कैमरामैन बन रहे हैं भाई। हो गए जी फाइनल, हो गया आप फाइनल है। चले जी करें विसर्जन, गणपति बप्पा मोरिया। चलो जी बस डाल दे गणपति, ये नारियल रख दे बाबू, रख दे बस। गणपति बाप्पा मोरिया, मूर्ति मोरिया। अगले बरस तू पास आवाज आ रही है, बिल्कुल एक मिनट चुप होना, एक मिनट। हाँ आवाज आ रही है, बिल्कुल चुप हो जाओ सब, आवाज आ रही है ना कैसे एकदम। गणपति जी विसर्जन हो गया, मिट्टी पानी में जाता है गाइस, बिल्कुल विसर्जन हो चुका है गणपति जी का, गणपति जी पानी में पूरे लीन हो चुके हैं, और बस अब अगले बरस जल्दी आएंगे, और ये जो भी है अभी मिट्टी बैठ जाएगी नीचे, और गणपति जी को हम बिल्कुल क्या करेंगे डॉली, नया गमला लेकर आएंगे, और बिल्कुल हर साल के लिए एक गमला। सब जने क्या करेंगे भाभी जी, नीचे अपना ये प्रसाद भंडारा खाएंगे, प्रसाद खाएंगे अब सारा, भंडारा ही तो हो गया, भंडारा ही हो गया। काकू जी, हनी जी, हाय। तो गाइस बस गणपति जी लीन हो चुके, तो गाइस बस गणपति जी का स्थान बिल्कुल खाली हो चुका है, विसर्जन हो चुका है, आंखें थोड़ी सी नम है, अगले बरस जल्दी आएंगे गणपति जी। सारे बच्चे बैठ जाओ फटाफट, लंगर तैयार है जी, लंगर खाना है री जान। काकू जी भाई चॉकलेट थोड़ा सा ना मेल्ट करके। गाइस ये प्रसाद की थाली बनकर बिल्कुल हो चुकी है तैयार, डॉली जी प्रसाद बन गया है। हाँ जी बिल्कुल बन गया, चलो भोग लगाओ, भोग वगैरह तो लगा लिया आप, बस मैं जा रहा हूँ चॉकलेट, मैंने भोग लगा रहा,
मैं शाम को लगाऊंगा बस आकर। तो गाइस बस गणपति जी का विसर्जन हो गया था और मैं आ गया था अपनी शॉप पर। बस अब थोड़ा सा काम भी करना है शॉप का, शॉप को भी देखना है। वैसे तो लड़का है ये सोनिया भाभी जी ने बनाए थे नारियल के मोदक, ये दिखाना भूल गया था। और ये प्रसाद सबका मतलब पैक हो रहा है, सबको देने के लिए प्रसाद पैक हो रहा है। ये बिल बनाना वगैरह सारी चीज़ें पैक हो रही हैं बस अभी। तो गाइस बस सब मेहमान हमारे चले गए हैं। एक हमारी मैम बैठी हुई है, हमारी छोटकी बहन और ये है, मेरी बस है। अब ये काकू का जीभ ललचाने वाला ललचा रही है थोड़ा सा, भाई का हाथ उसका जी नहीं ललचा रहा, उसकी मुंह इतना कड़वा हो गया गाइस कि वो बेचारे से कुछ भी नहीं खाया जा रहा। कल 103 तक बुखार हो चुका था रात को, मैं पूरी रात सोया नहीं, डॉले भी नहीं सोई, बस सर गए थे हम गोलगप्पे लेने के लिए। और ये काकू भाई साहब चले गए सीधा शॉप पे। काकू जी, काकू जी क्या लेना है आपने, क्या चीज ली है, ये क्या चीज है, गोल्ड कितने की आई है, 50 रुपीज की, इतनी सी छोटी सी डब्बी। वाह यार, दिलीप जी आ जाओ गोलगप्पे पैक करो फटाफट बढ़िया से, आप वीडियो बना रहे हैं यूट्यूब में लेकर आएंगे आपको। बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी गोलगप्पे हैं ये, लो गोलगप्पा खा के देखो आप, क्रिस्पी गोलगप्पे बना रहे हैं भाई साहब बिल्कुल एकदम। इसने अलग ले लिया है, पानी डाल रहा है इसमें और ये खरीद कर रहे हैं इंजॉय गोलगप्पे, सारे गोलगप्पे फिनिश। हाँ दूध ले आया, गोलगप्पे सारे फिनिश हो गए, लास्ट गोलगप्पा डॉली के हाथ में आया, हम बैठे बैठे सब खा गए हैं। खा लिया कोई बात नहीं, फिर खा लेंगे, कल खा लेंगे, कल खा लोगे, लास्ट गोलगप्पा डॉली के हाथ में आया, कोई नहीं किस्मत में था ना, देखो है लास्ट, कल पचरंगा के पांच पानी वाले गोलगप्पे, तिलक नगर से पांच पानी वाले गोलगप्पे खिला दूंगा, ठीक है खा लो खा लो, कितना बड़ा मुंह खोलता है। तो गाइस बस अब गणपति जी की आरती होने वाली है शुरू। आरती हम किस लिए करते हैं, आरती जो पिछले साल की गणपति जी विसर्जन किए होते हैं ना, उनकी मिट्टी जो नीचे बैठ जाती है वो हम डब्बी में रख लेते हैं, उसी में उसी से हम करते हैं आरती। लास्ट मतलब रात को जैसे आरती करते हैं वो करते हैं, लास्ट आरती होती है, हमें पता नहीं था, ये भी वो दीदी हैं जिनसे हमने पूछा था उन्होंने ही बताया, दीदी ने बताया था, जैसे ये पिछले साल की जो उनकी मिट्टी होती है उनके गणपति जी की मूर्ति की लाके रखते हैं, फिर आरती करते हैं और भोग भी लगाते हैं उनको, भोग का थाल भी निकालते हैं उनका बस। और गाइस इस बार जल्दी करना पड़ा विसर्जन, मतलब आपको पता ही है सारी चीजें क्यों जल्दी करना पड़ा विसर्जन, मैं आपको बताता हूँ। इस बार इसलिए करना पड़ा, तो एक तो 5 दिन के लिए हम लेकर ही आए थे, हमने सोचा था चलो 5 दिन के लिए ठीक है, क्योंकि नहीं जल्दी फिर 2 दिन का पता ही नहीं चलता कैसे निकल जाती है, तो 5 दिन का इसलिए करना पड़ा कि इतना अभी इस बार धूमधाम से नहीं किया, बिल्कुल नहीं तो हर बार हम गुलाल उड़ा के हर चीज हम लोग करने कर नहीं सकते थे, मतलब गैप नहीं डाल सकते, गैप नहीं डाल सकते। और एक बार विसर्जन हुआ था 5 दिन में, तब जब डॉली के पापा की डेथ हुई थी, क्योंकि चौथे दिन जब गणपति जी आए थे तो चौथे दिन में उनकी डेथ हो गई थी, तो फिर हमने 5वें दिन जाकर विसर्जन फटाफट विसर्जन करना पड़ा, जाना आना पड़ा था उस दिन, नहीं तो हमारे पास जब भी आए हैं 11 दिन के लिए, जितने दिन होते हैं ना गणपति जी उतने दिन के लिए आए हैं, बस अब बोला भी नहीं जा रहा, विश करना मतलब प्रार्थना करना कि अगली बार आए और सुख से आए और 11 दिन करे सेवा, पान चढ़े फूल चढ़े इस, ये लास्ट आरती है इस साल की, और अगले साल बप्पा फिर दोबारा आएंगे हमारे घर पे, और बस आप आरती ले लीजिए और बप्पा का स्थान बिल्कुल हमने जोत जला दिया है, ये पिछले साल की, ये देखो बिल्कुल बप्पा जैसी मूर्ति बनी हुई है एकदम, ये पिछले साल की मिट्टी है बप्पा जी के, और बस दर्शन आप कर लो। तो गाइस बस इसी के साथ हम कर रहे हैं ब्लॉग का एंड, काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं और काकू जी उदास हो गए हैं गणपति जी जाने के बाद, थोड़े से उदास मतलब होता ही है घर में, रोज पूजा करना, रोज आरती करना, आरती करना, खुशी होती मतलब है। ये तो भगवान, ये तो भगवान जी है हमारे घर में, तो कोई मेहमान आए वो भी 2 दिन रुके और जाए तो फिर लगता है सही में इतनी अच्छी वो हो गई थी, वाइब आती है ना घर में बहुत अच्छी। अब देखते हैं ये जो हमारा पंडाल लगा हुआ है ना, ये अब डॉली कह रही 11 दिन तक ऐसे ही रहने दो इसको, मतलब गणपति जी तो जो चले गए बस उनकी यादें हमारे साथ थोड़ा सा, मतलब जितने दिन हैं गणेश चतुर्थी के जितने दिन हैं, तो अब देखते हैं। तो गाइस हमने मांगी है विश हमारी यूट्यूब फैमिली के घर में खुशियां सुख समृद्धि आए, उनके घर में खुशहाली आए और हमारी यूट्यूब फैमिली ऐसे ही बढ़े और हमें ऐसे ही प्यार करती रहे। तो गाइस मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, इसी के साथ बाय 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 बाय, गणपति बप्पा मोरिया, अगले बरस तू जल्दी आना।